तो देखिए इस जजमेंट से आपको कितने बेनिफिट होने वाले हैं, बस आपको इस कूलिंग पीरियड का फ़ायदा ज़रूर उठाना है और इसको वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी पूरी कोशिश करें क्योंकि ये 2 महीने आपको फिर कभी भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों रिसेंटली अलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई थी रिगार्डिंग 498 केसेस, और इस जजमेंट में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि 498 के केसेस में इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे पति हो या उसके परिवार के लोग हों, और ऐसे में इस 2 महीने के टाइम पीरियड को कूलिंग पीरियड के नाम से जाना जाएगा। और इस कूलिंग पीरियड में 498 के मैटर को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा जहां पर कोशिश की जाएगी एमिकेबल सेटलमेंट की। दोस्तों इस जजमेंट का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों देखने को तो लगता है कि 2-3 पॉइंट ही हैं कि जैसे कि कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा, 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा और फैमिली वेलफेयर कमेटी में मैटर जाएगा, लेकिन यदि आप इसके फायदे गिनेंगे तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस जजमेंट के 15 फायदे, 15 बेनिफिशियल पॉइंट्स, 15 पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और रियलाइज़ करेंगे कि वाकई में ये हाई कोर्ट की जजमेंट 498 के ऊपर बहुत ही बेनिफिशियल है और पार्टीज को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी इंडिया का टॉप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, जो आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री। बस आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड जो है गुरुकुल 10। अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे फ्री लेक्चर्स, वो भी सभी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम्स के लिए टॉप एजुकेटर्स यानी कि टीचर्स के द्वारा। ये सभी लेक्चर्स लाइव होंगे जिसमें आप रियल टाइम में टीचर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। सभी क्लासेस आप किसी भी डिवाइस से किसी भी टाइम पर और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस एंड लेक्चर नोट्स। बस एनरोल करें कोड गुरुकुल 10 के साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जुडिशरी के सभी टॉपिक्स शुरू से लेकर एंड तक कवर किए जाएंगे। जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी पर आपको मिलेंगी फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, तो इसको भी मिस मत करें। यूपी जुडिशरी एग्जाम के लिए PYQ सीरीज 12th और 26 जून को है और बिहार जुडिशरी एग्जाम्स के लिए PYQ सीरीज 5th और 19 जून को है। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है मॉक टेस्ट सीरीज भी, इसे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपकी आज की मेहनत कल आपको लाखों में एक बना सकती है। सो क्रैक योर जुडिशरी एग्जाम विद अनअकैडमी। फ्री एक्सेस और 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और रेफरल कोड गुरुकुल 10 यूज कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जजमेंट में जो भी डायरेक्शंस दी गई थी उसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था। देखिए नॉर्मली हम देख रहे हैं कि 498 को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, पति और उसके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, अननेसेसरी अरेस्ट किए जाते हैं, उनको हैरेस किया जाता है। इन सभी चीजों को रोकने के लिए इन डायरेक्शंस को इस जजमेंट में लाया गया। तो अब जानते हैं कि क्या क्या फायदे हैं इस जजमेंट के, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जो 15 पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं उनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। दोस्तों पहला फायदा इस जजमेंट की डायरेक्शन से ये होगा कि 498 की FIR या कंप्लेंट के बाद किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना तो पति को अरेस्ट किया जाएगा और ना ही बाकी ससुराल पक्ष के लोगों को। मोस्टली 498 की FIR मिसयूज करने का ये मकसद होता है कि पति को अरेस्ट किया जाए, पर अब There will be no arrest. दूसरा पॉइंट ये है कि पति को हरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 498 में तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो कई प्रकार की हरेसमेंट से पति और उसके परिवार वाले बच जाएंगे। ये हरेसमेंट नॉर्मली पुलिस और CAW सेल के द्वारा की जाती है, पर अब वो पिक्चर से ही बाहर कर दिए गए हैं। तीसरा इसका पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये है कि 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा जिस दौरान पति पक्ष को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देखिए 2 महीने का कूलिंग पीरियड देने का मकसद यह है कि जो भी मैटर है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए और पार्टीज तैश में आकर के नहीं बल्कि सोच समझ के फैसला लें। देखिए नॉर्मली जब भी 498 की कंप्लेंट या FIR होती है तो पत्नी पक्ष बहुत जोश में आ जाता है कि पति को सबक सिखाना है। दूसरी तरफ पति ये निर्णय ले लेता है कि अब जो भी हो जाए पत्नी को साथ नहीं रखना है या अल्टीमेटली डाइवोर्स ही लेना है।
पर ये 2 महीने का कूलिंग पीरियड पार्टीज को लॉन्ग टर्म सोचने का टाइम देगा ताकि वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में और जोश में ना लें। हमारा अगला यानी कि 4th पॉइंट है फैमिली वेलफेयर कमेटी। इस जजमेंट में डायरेक्शन दी गई है कि मैटर को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। फैमिली वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो मैटर को एक न्यूट्रल अप्रोच से देखेगी और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। फैमिली वेलफेयर कमेटी का फायदा ये भी है कि उसको सेशन जज के द्वारा या डेजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट के द्वारा ही हेड या ओवरसी किया जाएगा, यानी कि एक बिल्कुल ही निष्पक्ष कमेटी होगी जिसका मेन मकसद होगा पार्टीज के मैटर को समझना और एमिकेबल सेटलमेंट की कोशिश करना। अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट के ऊपर जो कि है कि पार्टीज को बात करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, क्योंकि कूलिंग पीरियड में मैटर को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा, वहाँ पे पार्टीज को बुलाया जाएगा और उन्हें सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा आपस में बातचीत करने का और मैटर को रिजॉल्व करने का। बहुत बारी पति पत्नी में कोई ज़्यादा बड़े झगड़े नहीं होते, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, आप पर आपस में बातचीत ना करने की वजह से या कम्युनिकेशन गैप की वजह से बात का बतंगड़ बन जाता है और मैटर लिटिगेशन तक पहुंच जाता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को या कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का मौका देगी फैमिली वेलफेयर कमिटीज़। पार्टीज अपने इशू वहाँ एक दूसरे के सामने रख सकते हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या गैप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उन्हें दूर करके एमिकेबल सेटलमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला यानी कि 6th पॉइंट है कि पार्टीज को सपोर्ट मिलेगी फैमिली की भी और कमिटी मेंबर्स की भी। दोस्तों, जब मैटर फैमिली वेलफेयर कमिटी के पास जाएगा वहाँ ना केवल पार्टीज आपस में बात कर सकती हैं बल्कि वो अपने अपने फैमिली मेंबर्स और फैमिली वेलफेयर कमिटी मेंबर्स के भी सपोर्ट और असिस्टेंस ले सकेंगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल पति पत्नी ही आमने सामने होंगे या सिर्फ उनके ही एफर्ट्स होंगे, उनके साथ उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्य भी जा सकेंगे और उनका असिस्टेंस ले सकेंगे। फैमिली वेलफेयर कमेटी में जो भी मेंबर्स होंगे वो तो हमेशा ही उनको असिस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। हमारा अगला बेनिफिट होगा कि पुलिस या CAW सेल की तरफ से किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस पार्टीज के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैटर फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास होगा और किसी भी आउटसाइड एजेंसी को कूलिंग पीरियड की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करने दिया जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर करता है तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाएगा और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है यानी कि 8th पॉइंट की पार्टीज एक दूसरे पर अनड्यू प्रेशर नहीं बना पाएंगी। दोस्तों, ज़्यादातर 498 के केस में पत्नी पक्ष पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर के पति पर अनड्यू प्रेशर बनाते हैं और अपनी टर्म्स कंडीशंस ऊपर रखते हैं। ऐसे में प्रेशर की वजह से पति को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ हरासमेंट होती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी एक इंडिपेंडेंट कमेटी होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट जज या जो भी डेजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा हेड या ओवरसी की जाएगी। तो ऐसे में कोई भी पार्टी किसी भी तरह का अनड्यू प्रेशर दूसरी पार्टी पर नहीं क्रिएट कर पाएगी। अब आते हैं हम अपने 9th पॉइंट के ऊपर कि 498 2 महीने में ही ख़त्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब 498 केस आप 2 महीने में ख़त्म कर सकेंगे। दोस्तों, यदि कूलिंग पीरियड में फैमिली वेलफेयर कमेटी के असिस्टेंस से आप कोई भी सेटलमेंट करते हैं तो आपका 498 का केस डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि वो क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस कॉम्प्रोमाइज़ पर जाकर ही ख़त्म होते हैं, फिर वो चाहे साथ रहने का कॉम्प्रोमाइज़ हो या फिर अलग होने का कॉम्प्रोमाइज़ हो। शुरू में जब केसेस चलते हैं तो पति पत्नी बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, लेकिन बाद में दोनों के हौसले पस्त हो जाते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। पर यहाँ आपको 2 महीने का टाइम इसीलिए दिया गया है कि ताकि आप समझदारी से निर्णय लें और 498 का केस खत्म करवाएं। अगले 10th पॉइंट पर चलते हैं जिससे आप सभी सहमत होंगे कि इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। दोस्तों, यदि कूलिंग पीरियड को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप मैटर को एमिकेबली सेटल कर लेते हैं तो जरा सोचिए कि आप कितना टाइम और कितना पैसा आप बचाएंगे। ऐसे में अगर कोई भी एमिकेबल सेटलमेंट होती है तो आप कम से कम 7 से 10 साल का टाइम अपना बचा लेंगे और साथ में आप लाखों रुपए जो आपके लिटिगेशन में लगने हैं उसको भी बचा लेंगे। ये दोनों के लिए ही है, चाहे पति पक्ष के लिए चाहे पत्नी पक्ष के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कूलिंग पीरियड में बाकी मैट्रिमोनियल केसेस भी सेटल हो सकते हैं।
तो जब भी फैमिली वेलफेयर कमेटी आपको बुलाएगी और बात करेगी, तो जाहिर है वहाँ 498 के अलावा यदि और मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं उनकी भी बात होगी। ऐसे में यदि कोई भी सेटलमेंट होती है तो उसका असर बाकी केसेस पर भी पड़ेगा, क्योंकि यदि 498 का केस सेटल होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी केसेस जैसे मेंटेनेंस है, डीवी एक्ट है या डिवोर्स है, वो चलते रहें। बट नेचुरल है कि पार्टी सभी केसेस को वन टाइम सेटल करेंगी। मीन्स कि 498 की सेटलमेंट के साथ साथ आप बाकी मैट्रिमोनियल केसेस भी फैमिली वेलफेयर कमेटी की असिस्टेंस से सेटल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर कि 498 की क्वेश्चन के लिए आपको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, फैमिली वेलफेयर कमेटी में यदि कोई भी सेटलमेंट होती है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर डीजे या जो भी डिजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट होगा उसको 498 को क्लोज करने की पावर होंगी। आमतौर पर 498 में यदि कोई भी सेटलमेंट होती है तो पति को 498 की क्वेश्चन करवानी पड़ती है और हाई कोर्ट जाना पड़ता है, पर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही 498 की एफआईआर क्लोज हो जाएगी और क्वेश्चन के लिए आपको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि 13 पॉइंट की आप फैमिली वेलफेयर कमेटी में घर बसाने की भी बात कर सकते हैं या फिर वन टाइम सेटलमेंट यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स की भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि फैमिली वेलफेयर कमेटी कोशिश करेगी आपके मैटर को समझकर एमिकेबल सेटलमेंट कराने की, ऐसे में आपके पास ऑप्शन होगी, अपॉर्चुनिटी होगी कि या तो आप वापस अपना घर बसा सकते हैं या फिर अगर वो नहीं है पॉसिबिलिटी तो आप फैसला ले सकते हैं कि आप वन टाइम सेटलमेंट करेंगे और म्यूचुअल डिवोर्स में जाएंगे। तो जैसी भी सिचुएशन होगी आप दोनों तरह से सेटल कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी आपके ऊपर। यदि पार्टीज किसी भी तरह की सेटलमेंट के लिए तैयार हैं तो फैमिली वेलफेयर कमेटी आपका उसमें समर्थन देगी, आपको असिस्ट करेगी। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर यानी कि 14th पॉइंट के ऊपर कि 498 के केसेस का मिसयूज रुकेगा। दोस्तों, इस जजमेंट का जनरल पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि 498 का जो मिसयूज बढ़ गया है वो रुकेगा या कम हो जाएगा, क्योंकि अब पति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो महिलाएं इसको मिसयूज करने से बचेंगी। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट और 15 पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पति पक्ष अपने सबूत फैमिली वेलफेयर कमेटी के सामने रख सकेंगे। दोस्तों, 498 में बहुत ही बड़ी समस्या जो पति पक्ष फेस करता है कि पुलिस या आईओ उनके एविडेंसेस सबूत लेते ही नहीं है, देखते ही नहीं है और वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी के सामने पार्टीज अपना पक्ष खुलकर रख सकेंगी और साथ ही अपने सपोर्ट के एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकेंगी। इससे फैमिली वेलफेयर कमेटी को और आसानी होगी मैटर को एमिकेबल सेटल करने की। तो देखिए, इस जजमेंट से आपको कितने बेनिफिट होने वाले हैं, बस आपको इस कूलिंग पीरियड का फ़ायदा ज़रूर उठाना है और इसको वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये 2 महीने आपको फिर कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये था मेरा वीडियो आपको समझाने के लिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट जो कि 498 के ऊपर आई है उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ये जो बेनिफिट्स मैंने बताए हैं अभी यहाँ तक सीमित नहीं है, यदि इसको और रिसर्च करें तो इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स निकल के आएंगे जो कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो ये था मेरा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनकेस आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है, लीगल समस्या है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।